नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका मेरे YouTube चैनल और मेरे ब्लॉग बहुधान्य.blogspot.com में स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं चंडीगढ़ पुलिस से रिलेटेड ही। उम्मीद करूँगा ये नए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे, अगर जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए जो न्यू पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, सो दैट पिछली 6 से 7 वीडियो और अब आने वाली और भी वीडियो जो चंडीगढ़ पुलिस से रिलेटेड है वो आप तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के पहले गवर्नर कौन थे? श्री भैरव दत्त पांडे, अर्जुन सिंह, वीरेंद्र वर्मा, श्री सुरेंद्र नाथ। तो इसका जो आंसर है वो ए है, श्री भैरव दत्त पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मधुमेह रोग डैश की खराबी के कारण होता है, यानी शरीर के किस अंग के खराबी होने के कारण मधुमेह रोग होता है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन देखते हैं, लीवर, लंग्स, किडनी, पेंक्रियास। तो इसका आंसर है पेंक्रियास। पेंक्रियास के खराबी होने के कारण मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब पंजाब और पेप्सू यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन का विलय हुआ? ठीक, आपने सुना होगा जो पटियाला साइड की बसें चलती हैं वहाँ पेप्सू रोडवेज के नाम से भी है। तो इसमें ऑप्शन है 1950, 1956, 1953, 1952। तो इसका आंसर बी है 1956, 1956, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूख हड़ताल के कारण जेल में मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिनकी मृत्यु जेल में हो गई थी? इनमें से कौन से पर्सन थे जिनकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी? भगत सिंह जी, जतिन दास जी, एसएस बोस, विपिन चंद्र पॉल। तो इसका आंसर जतिन दास जी है, इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल है? जो हमारे संविधान में जो हमें नागरिकों को मौलिक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो संविधान के किस भाग में शामिल है? तो ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो सी इसका आंसर है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? तो ऑप्शन है लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा इकबाल। तो इसका आंसर है चौधरी रहमत अली, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन है आपके बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। इसका आंसर है कलकत्ता हाई कोर्ट। आपको हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी लेनी है, जितने भी हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, तो आप हमारी इस वीडियो पर जा सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक वीडियो देखने से ही, इस 8 से 9 मिनट की वीडियो, इसको देखते ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होना अनिवार्य है? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए यानी एमपी बनने के लिए, सांसद बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष आयु होना अवश्य है। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के लिए और गवर्नर बनने के लिए 35 वर्ष आयु होना अवश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में इसमें से खेल कोच के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये तीनों अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, एक्सेप्ट इसको छोड़कर द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित भारतीयों के बीच में ये एक विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स कौन है, यानी वो जो स्नूकर गेम है, भारतीयों में से सबसे विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम मैं ऐसे ही बताता हूँ, बहुत फेमस है ये, पंकज अडवाणी जी। काफ़ी फेमस हैं ये, स्नूकर गेम जो होती है उसके हैं। तो ये थे आज फिर नए 10 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जिसको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और लास्ट में यही कि अगर आपको हाई कोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है और इजीली तरीके से याद करना है तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।